सुप्रभात बच्चों, कक्षा चौथी, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 14 है पर्यावरण प्रदूषण। पुस्तक का नाम नई गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक। व्याख्यान एक। बच्चों, आज हम व्याख्यान एक में पाठ को पढ़ेंगे। पाठ में आए कठिन शब्द व शब्दार्थ जानेंगे। आज हम सभी पर्यावरण प्रदूषण की समस्या से परेशान हैं। पर्यावरण होता है बच्चों वातावरण, प्रदूषण होता है दूषित करना। हमारा वातावरण दूषित हो रहा है, इस समस्या से हम सभी परेशान हैं। पिछले 3 दशक से हम देख रहे हैं कि मौसम का चक्र गड़बड़ाता चला जा रहा है, समय पर वर्षा नहीं होती। बच्चों, पिछले 3 दशक से हम देख रहे हैं कि मौसम गड़बड़ाता जा रहा है, असमय वर्षा होती है। जब वर्षा की ज़रूरत होती है तब वह नहीं होती, और जब वर्षा की ज़रूरत नहीं होती तब वह अचानक हो जाती है। परिणाम स्वरूप खेतों में फसलें सूख जाती हैं। इसका परिणाम यह होता है कि खेतों में जो फसलें उगी हुई हैं वे सूख जाती हैं, क्योंकि उनको जब वर्षा की ज़रूरत होती है तब वर्षा नहीं होती। ये सब पर्यावरण प्रदूषण के कारण हो रहा है। कभी इतनी अधिक वर्षा हो जाती है कि बाढ़ आ जाती है और जन धन की अपार हानि होती है। बच्चों, अपार का अर्थ है जिसका पार न हो, जिसका अंत न हो। कभी कभी इतनी अधिक वर्षा हो जाती है कि जन धन की बहुत ज़्यादा हानि हो जाती है, जिसका हमें अंदाजा भी नहीं होता। विशेषज्ञों का मानना है कि प्रकृति के इस असंतुलन में मनुष्य जनित प्रदूषण की बहुत बड़ी सहभागिता रही है। प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं। बच्चों, विशेषज्ञों का मानना है कि प्रकृति के इस असंतुलन का अर्थ होता है महत्व में असमानता, भार या महत्व में असमानता। पृथ्वी का जब संतुलन बिगड़ता है, इसका प्रमुख कारण मनुष्य जनित, जनित का अर्थ होता है पैदा किया हुआ, मनुष्य द्वारा जन्मा हुआ। बच्चों, यह प्रदूषण मनुष्य ने ही तो बनाया है, किस तरह से वो हम पाठ में आगे जानेंगे। तो प्रकृति के असंतुलन में मनुष्य के पैदा किए हुए प्रदूषण की बहुत बड़ी सहभागिता का अर्थ है सहभागिता का अर्थ होता है बच्चों योगदान। मनुष्य का बहुत बड़ा योगदान है, उन्होंने प्रदूषण को पैदा किया है। हिस्सेदारी होता है बच्चों, सहभागिता का अर्थ है हिस्सेदारी। तो मनुष्य की बहुत बड़ी हिस्सेदारी इसमें रही है, जिसके कारण पृथ्वी का संतुलन बिगड़ा है। प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं, आइए इनके बारे में क्रमशः जानते हैं। क्रमशः होता है क्रम से। वायु प्रदूषण, सबसे पहले हम जानेंगे वायु प्रदूषण के बारे में। वायु में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड आदि पाई जाने वाली गैसें यदि उचित मात्रा में उपलब्ध न हों तो वह वायु प्रदूषित होती है। बच्चों, हमारे वातावरण में वायु में कौन कौन सी गैसें होती हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सभी उचित मात्रा में होती हैं, और यदि ये उचित मात्रा में उपलब्ध नहीं होंगी तो वहाँ पर वायु प्रदूषण हो जाता है। प्रदूषित वायु केवल
हानिकारक ही नहीं घातक भी हो सकती है। घातक का अर्थ है मार डालने वाला। वायु प्रदूषण हमारे लिए हानिकारक ही नहीं होता, बल्कि वायु प्रदूषण हमें मारने वाला भी हो सकता है। वायु शुद्धि वनस्पतियों पर अवलंबित है। अवलंबित का अर्थ है बच्चों निर्भर या टिकी हुई। शुद्ध वायु हमें पेड़ पौधों से मिलती है, आप सभी इस बात को जानते हैं। शुद्ध वायु किस पर टिकी हुई है? वनस्पतियों पर। वनस्पतियाँ ज़्यादा होंगी, पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे तो हमें शुद्ध वायु ज़्यादा मिलेगी। प्रकृति में वायु प्रदूषण को कम करने की प्रक्रिया स्वयं होती रहती है। वायु प्रदूषण प्रकृति पेड़ पौधे ही कम करते हैं, तो ये प्रक्रिया अपने आप ही होती रहती है। पेड़ पौधों की पत्तियों में बारीक रंध्र होते हैं। रंध्र का अर्थ होता है बच्चों छेद। पेड़ पौधों की पत्तियों में बारीक बारीक छिद्र छेद होते हैं, जिनके दोनों ओर रक्षक कोशिकाएं होती हैं, जिनमें सूर्य के प्रकाश और जल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। बच्चों जैसा कि आप जानते होंगे कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पत्ते करते हैं सूर्य के प्रकाश से, परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन में रूपांतरण हो जाता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं वो पौधे ग्रहण कर लेते हैं और ऑक्सीजन में बदल देते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि पेड़ पौधे हमारे लिए जीवनदायी ऑक्सीजन मुहैया कराते हैं। इस प्रकार हमें यह पता चलता है कि पेड़ पौधे हमें जीवन देने वाली गैस ऑक्सीजन गैस हमें देते हैं। फिर भी मानव ने अपने तुच्छ स्वार्थों की पूर्ति के लिए हरे भरे वृक्षों को काटकर वायु प्रदूषण को निमंत्रण दिया है। बच्चों स्वार्थ का अर्थ होता है अपना हित, अपने फायदे के लिए। फिर भी मनुष्य ने अपने फायदे के लिए, अपने लाभ के लिए, अपनी पूर्ति के लिए हरे भरे वृक्षों को काटकर वायु प्रदूषण को निमंत्रण का अर्थ होता है न्योता दिया है। इसके अतिरिक्त वायु प्रदूषण के अन्य कारण भी हैं। इसके अलावा भी वायु प्रदूषण के और कई कारण हैं। बड़े बड़े कल कारखानों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, कारखाने, उनमें से जो धुआं निकलता है वह भी वायु प्रदूषण में अहम भूमिका निभाता है। और विभिन्न प्रकार के वाहनों से निकलने वाला धुआं सारे वातावरण को प्रदूषित कर रहा है, और जो वाहनों से धुआं निकलता है वह भी हमारे वातावरण को प्रदूषित कर रहा है। इस प्रदूषण के कारण ही सांस के रोग निरंतर बढ़ रहे हैं। इस प्रदूषण से क्या होता है कि सांस लेने में तकलीफ होती है, और श्वसन क्रिया के जो हमारे सांस में प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है, वह सब इसी कारण से हो रहा है। इसके अतिरिक्त कैंसर, हृदय रोग तथा रक्तचाप आदि के विभिन्न रोग हो रहे हैं। और बच्चों इनसे कैंसर, हृदय रोग, रक्तचाप आदि के अनेक रोग हो रहे हैं। इनसे बचने के लिए वायु प्रदूषण पर नियंत्रण पाना आवश्यक है।
जल प्रदूषण। अब हम जल प्रदूषण के बारे में जानेंगे कि जल किस प्रकार दूषित हो रहा है। विभिन्न उद्योग धंधों से निकलने वाले रासायनिक पदार्थों के नदियों में मिलने से जल प्रदूषित हो जाता है। तो बच्चों, जो कंपनियां, जो कारखाने हैं, उनसे जो रासायनिक पदार्थ निकलता है उन्हें वे नदियों में बहा देते हैं, जिससे जल प्रदूषित हो जाता है। इसके अतिरिक्त मालवाहक जहाज़ों को समुद्र में धोने से अवशिष्ट पदार्थ जल में मिल जाते हैं। बच्चों, जो माल ढोने वाले जहाज हैं, जो समुद्र से आते जाते हैं, वो अपने बचे हुए पदार्थ को जल में मिला देते हैं। अवशिष्ट होता है बचा हुआ, बाकी। तो बचा हुआ जो होता है, पदार्थ होता है, उसको वो जल में मिला देते हैं धोने के लिए। इससे भी जल प्रदूषित होता है, जिससे जल प्रदूषित होता है। जल प्रदूषण का प्रभाव न केवल जल में रहने वाले जीवों पर पड़ता है, बल्कि इसका असर मनुष्य के स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। जल प्रदूषण दो प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार के प्रदूषण में गंदगी आँखों से दिखाई देती है, जबकि दूसरे प्रकार में वह दिखाई नहीं देती। दो तरह से जल प्रदूषित होता है। पहला प्रकार है जब हम अपनी आँखों से देखते हैं कि जल में कुछ गंदगी पड़ी हुई है, और दूसरा प्रकार है कि वह हमें दिखाई नहीं देती। प्रदूषित जल के लगातार सेवन से हृदय, गुर्दे, हड्डी, दांत, फेफड़े तथा रक्त संबंधी अनेक रोग जन्म लेते हैं। ये सभी रोग प्रदूषित जल के सेवन से, सेवन अर्थ होता है उसका पीने से। प्रदूषित जल को जब हम पिएंगे तो उससे हृदय, गुर्दे, हड्डी, दांत, फेफड़े और रक्त, रक्त का अर्थ होता है बच्चों खून संबंधी अनेक रोग हो जाते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट आंतों में जलन पैदा करता है, और फ्लोराइड से हड्डियों तथा दांतों का क्षय होता है। क्षय का अर्थ है नुकसान होता है, वो धीरे धीरे टूटने लगते हैं। प्रदूषित जल में कैडमियम, सीसा, पारा आदि मिले होते हैं। ये मानव शरीर पर विषैला प्रभाव डालते हैं। विषैला का अर्थ होता है बच्चों जहरीला प्रभाव डालते हैं, घातक होते हैं ये शरीर के लिए। इसके सेवन से जोड़ों में दर्द एवं गुर्दे, हृदय तथा स्नायु तंत्र में विकार उत्पन्न हो जाते हैं। भूमि प्रदूषण। अब हम जानेंगे कि हमारी भूमि किस तरह से दूषित हो रही है। मिट्टी में विभिन्न प्रकार के लवण, खनिज तत्व, कार्बनिक पदार्थ, गैसें और जल एक निश्चित अनुपात में होते हैं। जब इस अनुपात में परिवर्तन होता है तो इससे भूमि प्रदूषित हो जाती है। खेतों में पैदावार बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों के अधिक इस्तेमाल से मिट्टी प्रदूषित हो जाती है।
इसके अतिरिक्त भूमि प्रदूषण प्लास्टिक के थैले, पॉलीथीन, कांच की बोतलें, राख आदि कूड़े करकट के फेंके जाने से बढ़ रहा है। फलस्वरूप नाना प्रकार की जानलेवा बीमारियां, लकवा, अनिद्रा, डिप्रेशन, चक्कर आना, कैंसर, त्वचा की जलन तथा अपंगता आदि भयावह रूप धारण करती जा रही हैं। इस प्रकार बच्चों, हम प्लास्टिक के थैले, पॉलीथीन, कांच की बोतलें, इनका प्रयोग करके इन्हें फेंक देते हैं। इससे भूमि प्रदूषित होती है, क्योंकि ये गलते नहीं हैं। इस प्रकार से इसका क्या परिणाम होता है कि इससे अनेक प्रकार की जानलेवा बीमारियां हो जाती हैं, जैसे लकवा, अनिद्रा, डिप्रेशन, चक्कर आना, कैंसर, त्वचा की जलन तथा अपंगता। ये सभी भयानक, भयावह का अर्थ होता है भयानक, रूप धारण कर लेती हैं। बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। ध्वनि प्रदूषण, अब हम ध्वनि प्रदूषण के बारे में जानेंगे। आवश्यकता से अधिक तीव्र आवाज़ होना, तीव्र का अर्थ होता है तेज, अथवा शोर होना ही ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। ध्वनि प्रदूषण हमें दिखाई नहीं देता, परंतु यह बहुत खतरनाक माना जाता है। शहरों के साथ साथ गांव में वाहनों के बढ़ते प्रयोग, टीवी, रेडियो और लाउडस्पीकरों की तेज आवाज़ में चलाए जाना, आतिशबाजी करना तथा हो हल्ला आदि से ध्वनि प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। ध्वनि की माप डेसिबल इकाई में की जाती है, आमतौर पर 45 डेसिबल तक की ध्वनि मानव स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव नहीं डालती है, किंतु इससे तेज ध्वनि होने पर हमें बहरापन, हृदय संबंधी विकार, चिड़चिड़ापन, अनिद्रा, रक्तचाप जैसी अनेक बीमारियां हो जाती हैं। 130 डेसिबल से अधिक की ध्वनि से कान के पर्दे फटने तथा पागल होने का भय उत्पन्न हो जाता है। इसके अतिरिक्त पर्यावरण के असंतुलन से अन्य कुप्रभाव, जैसे सामान्य से अधिक गर्मी, सर्दी अथवा वर्षा, सूखा, बाढ़, समुद्री चक्रवात, बादल फटने तथा भूकंप आदि आपदाएं आती हैं। अतः पर्यावरण की सुरक्षा हमारा प्रधान कर्तव्य है। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने में हम सभी सहयोग दे सकते हैं। पहला काम जो हम कर सकते हैं वह है, हम न तो स्वयं गंदगी फैलाएं और न दूसरों को गंदगी फैलाने दें। अपने आसपास की नालियों को साफ रखें तथा खुले में मल मूत्र विसर्जित न करें। विसर्जित का अर्थ होता है विसर्जन किया गया। इसके साथ साथ अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर वातावरण को हरा भरा बनाएं। हम यह संकल्प
लें कि प्रत्येक शुभ अवसर हो एक वृक्ष अवश्य लगाएंगे। संकल्प का अर्थ होता है बच्चों पक्का इरादा। यदि हम यह पक्का इरादा कर लें कि शुभ अवसर पर हम एक वृक्ष जरूर लगाएंगे। वृक्ष लगाना ही पर्याप्त नहीं है, उनकी देखभाल करना भी आवश्यक है। बच्चों वृक्ष लगाना ही काफ़ी नहीं है, पर्याप्त का अर्थ है काफ़ी, उनकी देखभाल करना भी आवश्यक है। प्रदूषण की रोकथाम करने के लिए अंधाधुंध बढ़ती जा रही जनसंख्या पर भी नियंत्रण करना जरूरी है। इस बढ़ती हुई आबादी की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विविध सामग्री और पर्याप्त भूमि होना आवश्यक है। पर्याप्त का अर्थ है बच्चों काफ़ी। इसीलिए वनों को बड़े पैमाने पर काटा जा रहा है। अतः जनसंख्या पर नियंत्रण से प्रदूषण की समस्या काफ़ी हद तक स्वयं सुलझ जाएगी। कठिन शब्द। बच्चों अब हम पाठ में आए कठिन शब्द जानेंगे। नंबर एक पर्यावरण, नंबर दो नाइट्रोजन, नंबर तीन ऑक्सीजन, नंबर चार संश्लेषण, नंबर पाँच उद्योग, नंबर छः अवशिष्ट, नंबर सात कार्बनिक, नंबर आठ विसर्जित, नंबर नौ प्रकृति, नंबर दस विषैला, नंबर ग्यारह है परिवर्तन, नंबर बारह है प्लास्टिक। अब हम पाठ में आए शब्दों के अर्थ जानेंगे। शब्द अर्थ। नंबर एक पर्यावरण, इसका अर्थ है वातावरण। नंबर दो प्रदूषण, इसका अर्थ है दूषित करना या दोषयुक्त बनाना। नंबर तीन अपार, इसका अर्थ है जिसका पार न हो। नंबर चार असंतुलन, इसका अर्थ है भार या महत्व में असमानता। नंबर पाँच जनित, इसका अर्थ है जन्मा हुआ। नंबर छः घातक, इसका अर्थ है मार डालने वाला। नंबर सात अवलंबित, इसका अर्थ है निर्भर या टिकी हुई। नंबर आठ रंध्र, इसका अर्थ है छेद। नंबर नौ स्वार्थ, इसका अर्थ है अपना हित। नंबर दस अवशिष्ट, इसका अर्थ है बचा हुआ या बाकी। नंबर ग्यारह है विकार, इसका अर्थ है दोष। नंबर बारह है विसर्जित, इसका अर्थ है विसर्जन किया गया। नंबर तेरह है संकल्प, इसका अर्थ है पक्का इरादा। नंबर चौदह है पर्याप्त, इसका अर्थ है काफ़ी या यथेष्ट। पाठ चौदह है पर्यावरण प्रदूषण, व्याख्यान एक गृह कार्य। बच्चों आज आपका गृह कार्य है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न क, आज हम किस समस्या से परेशान हैं। प्रश्न ख, पेड़ पौधे हमारे लिए क्या उपलब्ध कराते हैं। प्रश्न ग, सांस संबंधी रोगों का मुख्य कारण क्या है। बच्चों इन प्रश्नों के उत्तर आप अपनी कॉपी में सुंदर लेख में लिखेंगे। धन्यवाद।